ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, अशोक तंवर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं अशोक तंवर अपने समर्थकों के साथ, और कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बताएंगे उनकी नाराजगी की आखिर वजह क्या रही, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, तो कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। सीधी तस्वीरें आप खबरें अभी तक पर देख सकते हैं, पल पल की जो अपडेट है खबरें अभी तक आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले खबरें अभी तक आप तक ये खबर पहुंचा रहा है, जो अशोक तंवर है वो अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद है, और कुछ ही देर बाद वो क्या निर्णय लेंगे, वजह क्या रही इस बगावत की, तमाम तफसील से अपनी बात को बताएंगे। तो अशोक तंवर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम मीडिया के सामने आज वो अपना दर्द बयां करेंगे कि आखिर वजह क्या रही। लंबे समय से नाराज चल रहे थे अशोक तंवर, और ये नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने आज अपने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया। तो थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, अशोक तंवर पहुंच चुके हैं, तमाम तैयारी, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अशोक तंवर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, बड़ी रणनीति उनकी अगली हो सकती है, क्योंकि 90 विधानसभा चुनाव पर हरियाणा में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, और उनकी नाराजगी थी कि उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिला, उनको टिकट नहीं मिला, ये नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, सड़कों पर उतर चुकी थी ये नाराजगी, सोनिया गांधी की आवाज़ तक पहुँच चुकी थी ये नाराजगी, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तक, और तमाम बड़े नेताओं से नाराज नजर आए अशोक तंवर। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से पिछले 5 साल मैंने भी और मेरे साथियों ने खून पसीना एक करके हरियाणा में जो कांग्रेस लगातार एक साजिश के तहत मारी जा रही थी उसको बचाने का और आगे बढ़ाने का काम किया। मारने वाले कौन थे वो आपके सबके सामने हैं, और बचाने का प्रयास मैंने और हमारे लाखों साथियों ने किया, वो हरियाणा में भी किया और देश में भी किया, राहुल जी के नेतृत्व में किया, सोनिया जी के मार्गदर्शन में किया। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों घटनाक्रम घटे, और मैंने 2 दिन पहले भी इस बात की चर्चा करी थी कि पिछले 26 साल मैंने पार्टी को दिए, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 50-50 साल दिए, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 साल दिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था है जिस तरीके की, उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी और लाखों हमारे जो साथी हैं उनका दम घुटता नजर आया। कुछ लोगों की राजनीतिक हत्याएं कर दी गई है, कुछ की होनी बाकी है, जिनकी हो चुकी है उसमें मैं भी हूं, उनमें संजय निरुपम भी हो सकते हैं, उसमें डॉक्टर अजय कुमार भी हो सकते हैं, उसमें वो बहुत से लोग हैं जो पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं, या जो दम घुटते घुटते मरने की कगार पर है। और ये सारा माहौल किन लोगों ने क्रिएट किया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सी ताकतें ये कहती हैं कि देश को कांग्रेस मुक्त करना है, वो कांग्रेस मुक्त उनसे नहीं हो रहा है, कांग्रेस मुक्त खुद कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो इस भारत को भी और हरियाणा को भी कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। और इसलिए हमने कहा कि पार्टी आज अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौर से जो गुजर रही है वो भारी ताकतों की वजह से नहीं है, वो हमारे अंदर की जो समस्याएं हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसकी वजह से है। मैंने बहुत गहनता के साथ लोगों से चर्चा करी, विचार किया, और उसके बाद ये 4 पेज का लेटर जो आपके सबके सामने भी होगा वो मैंने लिखी है। मेरी भी व्यथा है इसमें और लाखों करोड़ों लोगों की व्यथा है जो सिस्टम में जिस तरीके से स्थापित लोग हैं वो जिस तरीके से शोषण करते हैं,
पाँच साल एसी कमरों में बैठते हैं, विदेशों में घूमते हैं, पैसा उन्होंने कमा रखा है, और ठीक चुनाव से पहले वो एकदम प्रकट हो जाते हैं जैसे कहीं के देवी देवता हों। लेकिन कर्म देवी देवता वाले नहीं हैं, कर्म राक्षसी हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। मैं और मेरे सैकड़ों साथी, आप सबको पता होगा कि दिल्ली के भैरव मंदिर में आज से ठीक तीन साल पहले अटैक हुआ, कल उसकी तीसरी एनिवर्सरी होगी। आज भी आप देख सकते हैं कि ये मेरी आँख ये परमानेंट छोटी हो गई है, ये पूरा जो चेहरा है स्वेलिंग, तीन साल बाद भी आज भी मेरे को भी और मेरे जैसे बहुत से साथी हैं जो हेड इंजरी जिनको हुई, मेरी मेडिसिन भी पड़ी है, तीन साल से सो नहीं पाए हैं, वो सो नहीं पाए हैं। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ, वो किसके लिए? पार्टी की विचारधारा के लिए, लोगों के कष्ट कम हों, उनकी परेशानियाँ ख़त्म हों, उनके दुख दर्द हम दूर कर सकें, इसके लिए बावजूद हमारे ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हमारा शोषण हुआ, हम फिर भी लड़ते रहे, अंदर भी लड़ते रहे और बाहर भी लड़ते रहे। लेकिन वो लोग उसके बावजूद भी कोई उनका सहयोग नहीं मिला, और वो लोग ये कहते हैं हम बहुत बड़े नेता हैं। तो आज 5 तारीख होगी, 24 को नतीजे आएंगे, 20 दिन के बाद कितने बड़े नेता हैं वो हरियाणा के, चाहे उनके पास लाखों करोड़ रुपया हो, चाहे उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य हो, बहुत बड़ी सेना हो, हम भी देखेंगे कि कितने बड़े नेता वो हैं। तो इसलिए सारी बातें मैंने लिख दी है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल के मूल्य थे, जो हमारे सिद्धांत थे, जिनको लेकर के हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमने शुरुआत करी, वो महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और ऐसे हजारों लाखों अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में भूमिका निभाई। और क्योंकि मैं खुद इतिहास का छात्र था, मैंने PhD करी है इतिहास में JNU से, तो मैं जानता हूँ, और उन्हीं मूल्यों के लिए हम, वो सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया और उसके लिए लड़ाई लड़ी। और हमारे जैसे लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले तो हमारे जैसे लोगों को मौका नहीं मिलता जो गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, आप भी उनमें से हैं, सारे साधारण परिवारों से हैं, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, देश और समाज को बदलने का सपना लेकर के राजनीति में आते हैं। पहली बात तो मौका उनको नहीं मिलता, और जब मौका मिलता है तो बाधाएँ रोज खड़ी करी जाती हैं, और उसी के खिलाफ मैं समझता हूँ कि जब हद सारी पार होगी, हमने देखा, और एक महीने तक हम ये सोचते थे कि कोई बात नहीं, अशोक तंवर को हटा दिया, कोई बात नहीं, मुझे मौका भी मिला है, वो भी पार्टी ने दिया था, हटा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हमारे साथी जिन्होंने 5 साल मेहनत करी, उनके साथ न्याय होगा, और इसीलिए आखिरी उस समय तक मैं इंतज़ार करता रहा। मैं परसों भी ये फैसला करना चाहता था, लेकिन फिर मन नहीं माना, लेकिन और जब आत्मचिंतन किया, मंथन किया, सोचा समझा परिस्थिति को, हालात को, तो इसी निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि आज बड़े दुख के साथ मुझे कांग्रेस पार्टी ये छोड़नी पड़ रही है। और मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि ऑफर कई बार आई, भारतीय जनता पार्टी की भी आई, दूसरी पार्टियों की भी आई, बड़े ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोगों से आई, ऐसा नहीं कि कोई छुटपुट आदमी कोई आकर के बात कर रहा हो, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं करेंगे। लेकिन आज पार्टी छोड़नी पड़ रही है, आगे साथियों का क्या फैसला होगा, किस तरीके से करेंगे, मीटिंग हम करेंगे, सबकी सलाह मशवरा लेंगे, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि आगे का वो होगा। बाकी मैंने सारा इसमें बहुत विस्तार से लिखा कि किस तरीके से 5 साल ना डिस्ट्रिक्ट, ना ब्लॉक, ना AICC मेंबर, ना PCC मेंबर ये नहीं बनने दिए,
और कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं आज तो उसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि इतनी चीज़ें हैं। 5 साल के बखान अगर करना है, 5 साल 8 महीने मैंने काम किया है, तो बहुत बारीकी से हरियाणा को भी समझा है, लीडर्स को भी समझा है। बहुत से लोगों के जब सवाल आएंगे तो उनका जवाब उस रूप में हम देंगे। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने जिन लोगों को ग्रूम किया पिछले, मुझे आज उनके साथ काम करते हुए 12-13 वर्ष हो गए, जिन लोगों को उन्होंने ग्रूम किया एक साजिश के तहत, उनको मारने की कोशिश जारी है। और जब पानी सर से ऊपर आ जाए तो आदमी या तो खुद छटपटाता है या बचने की कोशिश करता है। तो राजनीतिक तौर पर हम भले ही मरने की अवस्था में पहुंच गए हों, आईसीयू में हों, या हमारे ऊपर अटैक भी हुए तब हमारा इलाज भी नहीं होने दिया, लोगों ने, आप सबको वो पता है कहानी, किससे किस तरीके से लोगों ने पुलिस का दुरुपयोग किया, किस तरीके से हॉस्पिटल का पूरी व्यवस्था को उसको कर दिया। और एक इंसिडेंट ने मुझे सिखा दिया जब हमारे ऊपर अटैक हुआ कि किस तरीके से पुलिस, हॉस्पिटल, किस तरीके से न्यायपालिका, किस तरीके से, मैं माफ़ी भी चाहूँगा, मीडिया के साथी मिल जाते हैं बड़े ताकतवर लोगों के साथ। और इसीलिए एक लड़ाई लड़ने का संकल्प और मजबूत हुआ। और यही कारण था कि जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ पिछले वर्ष जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक आदेश आया, सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में मैंने उसका विरोध किया, क्योंकि मैंने देखा 3 वर्षों के अंदर कि कैसे कैसे चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे अन्याय अत्याचार होता है। हालांकि कल ही परसों उसका SC ST एक्ट के उसमें भी फैसला दोबारा ठीक हुआ है। और यही कारण था कि जब रविदास मंदिर तोड़ा गया उसकी याचिका भी हमने लगाई, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी फैसला आया। तो मेरे पास काम करने के बहुत एवेन्यू हैं, समाज की, राष्ट्र की बेहतरी के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, नई लीडरशिप को तैयार करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि हमारी भी कुछ लोगों ने मदद करी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे ही मुझे भी कुछ न कुछ इस देश के लिए मेरा भी दायित्व होगा, तो दायित्व हम निभाने का काम करेंगे। बाकी किस किस ने क्या क्या किया वो मैंने इसमें लिखा है कि कुछ लोगों ने तो कहा कि भाई जो प्रभारी हमारे लगे, कुछ लोगों ने तो दो दो ढाई ढाई साल हरियाणा की केयर ही नहीं करी, हरियाणा में एक दिन आकर के झांका भी नहीं, और उसके बाद भी फैसले यही करते रहे कि तंवर को हटा दो। अरे आप ग्राउंड में कभी गए, डिस्ट्रिक्स में कहीं किसी से मुलाकात की, बड़े बड़े लोगों से जो पहले MP MLA सांसद वो रहे हैं, उनका तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट पहले से है। जो नई लीडरशिप हमने तैयार की पिछले 5 साल में, कभी उनसे आप मिले, उनसे आप मिल करके कभी आपने फैसला करने की कोशिश करी? आज पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो ग्रासरूट लीडरशिप से डिस्कनेक्टेड हैं, वो फैसले लेने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो परवाह नहीं करते थे और कुछ परवाह करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ख़त्म ही कर देंगे कांग्रेस को और अशोक तंवर जैसे लोगों को। तो इसलिए आज ये कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी है। मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में कांग्रेस में मेरे जैसे लोग नहीं मारे जाएंगे, ना केवल कांग्रेस में बल्कि दूसरे दलों में भी। और अगर मारे जाएंगे तो इसी तरीके से बगावत होती रहेगी, विद्रोह होता रहेगा, और जैसे कहा जाता है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, तो इसी तरीके से ये भी है, जब तक शोषण होता रहेगा तब तक विद्रोह होता रहेगा। मैं एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अगर किसी की सुपारी दी जाती है तो उसको पता चल जाता है तेरी सुपारी हो गई है। और जो टीच करना है।
तो अशोक तंवर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पार्टी में उनका शोषण हुआ है और दूसरे नेताओं का भी शोषण हुआ है, पार्टी में उनका दम घुट रहा था इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंदर की ऑडियो भी दे दो। मस्ती में चल रहा। अरे भैया आप लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे थे? नो नो, देयर इज नो प्लान टू ज्वाइन बीजेपी एट ऑल। आई विल बी फाइटिंग माय बैटल, आई विल बी फाइटिंग द बैटल ऑफ द पीपल हु हैव स्ट्राइव फॉर द कांग्रेस पार्टी, हु गेव देयर स्वेट एंड ब्लड for this party to come up to that level where we were few years back, and that struggle will कांग्रेस के ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप भले ही बीजेपी में ना भी जाएं, लेकिन इस वक्त आपका ये कदम कहीं ना कहीं पार्टी को ही डैमेज कर रहा है। तो पांच साल उनका कदम जो मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, उनका कदम किसको मजबूत कर रहा था? पांच साल जो लोग मेरे को मारने में लगे हुए थे, उनका कदम किसको मजबूत कर रहा था? उन्होंने कभी क्यों नहीं, शिंदे कमेटी बनी, हमारे ऊपर अटैक हुआ, क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, रामलीला मैदान के अंदर दो बार हुटिंग हुई, खुलेआम नंगा नाच किया उन्होंने, कुर्सी पत्थर चलाए, पगड़ी उछाल दी लोगों की, केवल उसका पगड़ी का कलर लाल था इसलिए सरदारों की पगड़ी की छीन ली, ये कहां से ये कहां तक उचित है? सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी आर टू फैक्शंस? नो, आई डोंट वांट टू, आई डोंट बिलीव दैट थ्योरी, बट कलेक्टिवली आई थिंक दे शुड टेक डिसीजन एंड सेव दिस कांग्रेस फ्रॉम दिस। अगर एनीबॉडी कांटेक्टेड यू आफ्टर योर रेजिग्नेशन, मैदान में है तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे चुनाव में? उनका साथ देंगे आप चुनाव के मैदान में, जो आपके समर्थन में थे और जो आपके लिए? नहीं, अभी मुझे देखना है सब लोगों से, मैं परसों तरसों करूंगा चर्चा। कल पहले तो हम तीन साल अत्याचार की एनिवर्सरी मनाएंगे। कहाँ पे मनाएंगे सर? रोहतक में मनाएंगे। रोहतक में? हाँ, क्या कुछ? क्योंकि गुंडे वहीं के आए थे। रूपरेखा क्या रहेगी? रूपरेखा तो कुछ नहीं, हमारे प्रोग्राम होंगे वहाँ, कल जाएंगे रोहतक। तो अशोक तंवर प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी नाराज दिखाई दिए, उन्होंने बड़े नेताओं का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा। अशोक तंवर ने कहा कि 26 साल उन्होंने पार्टी को दिए हैं और जब वो जेएनयू में पढ़ा करते थे तब से वो पार्टी में एंट्री किए थे, और सबसे अहम कि जब पार्टी में कोई आना नहीं चाहता था तब अशोक तंवर उस पार्टी में आए थे, कांग्रेस को उन्होंने मजबूत किया और उनका अब दम घुटने लगा था, उनकी राजनीतिक हत्या हो रही थी और उनके साथ साथ दूसरे नेताओं के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और ये बगावत के सुर थे। आज अशोक तंवर ने साफ कर दिया कि पार्टी को आखिरकार उन्होंने क्यों छोड़ा। सबसे अहम पहलू पर उन्होंने बताया कि उनका दम घुट रहा था पार्टी के अंदर, इस वक्त जो बड़े नेता है उनकी चलने नहीं दे रहे थे और जो बड़े नेता विदेशों में घूमते हैं पांच पांच साल, वो चुनाव के वक्त में आ जाते हैं।